Students, in your environmental studies book, there are two parts given, part 1 and part 2. We have already done 3 chapters of part 1. Now we will do the first chapter of part 2. Part 2, environmental education. Lesson number 1, a friendly environment. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनवायरमेंट कैसे हमारा फ्रेंड बनता है, कैसे हमारा फ्रेंड होता है. सो एनवायरमेंट, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसे हम एनवायरमेंट कहते हैं. वी ऑल नो दैट एयर, वाटर एंड फूड आर द बेसिक नीड्स ऑफ एनी लिविंग बींग. हम सभी जानते हैं कि किसी भी लिविंग बींग को जिंदा रहने के लिए बेसिक नीड्स की जरूरत होती है, जो कि है एयर, वाटर और फूड. हवा, पानी और खाना, ये हर लिविंग बींग को चाहिए होता है. और अर्थ जो है वो अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, और इसीलिए अर्थ इज दी ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट. अर्थ पर ही ये तीनों चीज़ें पाई जाती है, इसीलिए अर्थ पर ही जीवन संभव है, यहाँ पर लोग जिंदा रह सकते हैं. इट हैज़ ऑल द फेवरेबल कंडीशंस दैट सपोर्ट लाइफ. अर्थ पर वो सारी फेवरेबल कंडीशंस हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करती हैं, और किसी भी प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ अर्थ पर है. आर एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स. हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, वो दो कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि हमारे आसपास जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा. एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, जिसमें कि एयर, हवा, वाटर, पानी, सॉयल, मिट्टी या जमीन, क्लाइमेट, हमारा जो मौसम होता है जो चेंज होता रहता है वो, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं. वी डिपेंड ऑन बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. और हम बायोटिक और एबायोटिक यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों पर ही डिपेंड होते हैं. अब हम जानते हैं प्लांट्स के बारे में. प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं. प्रोड्यूसर्स मतलब बनाने वाला. तो प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब वो अपना खाना बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. और इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और ऑक्सीजन वही गैस होती है जिसकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं. लेकिन ऑक्सीजन के अलावा भी प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं. लेट अस नो अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. हमें प्लांट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उनके बारे में जानते हैं. सेरल्स यानी कि अनाज. वी गेट सेरल्स लाइक वीट, राइस, मेज, बार्ले एटसेट्रा फ्रॉम द प्लांट्स. हम जो भी अनाज खाते हैं जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, जौ एटसेट्रा, ये सब हमें प्लांट से ही मिलते हैं. पल्सेस जितनी भी दाल होती है जैसे कि बीन, ग्राम, ग्राउंडनट, सोयाबीन एटसेट्रा, ये सब भी हमें प्लांट से मिलते हैं. जो ग्राउंडनट और सोयाबीन, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, तो मूंगफली और जो सोयाबीन की जो सीड्स होती हैं, बीज होते हैं, उनसे हम एडिबल ऑयल निकालते हैं, यानी कि वो ऑयल जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं. वेजिटेबल्स, हम जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं वो सब हमें प्लांट से मिलती है. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ओनियन, कैरेट, पीस, स्पिनच, रेडिश एटसेट्रा, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं. फ्रूट्स भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं, जो कि हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, बनाना, मैंगो, पपाया, ग्रेप्स एटसेट्रा, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं. शुगर यानी कि शक्कर. शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ शुगर केन एंड शुगर बीट. जो गन्ना होता है ना उससे, और जो चुकंदर होता है उससे हम शुगर बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं. टी एंड कॉफ़ी. इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो फेवरेट ड्रिंक्स है लोगों की वो है टी और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी, ये भी हमें प्लांट्स से मिलती है. जो चाय होती है वो टी प्लांट की जो लीव्स होती हैं
पत्तियां उससे मिलकर उससे हमें मिलती है, और जो कॉफी होती है उसकी भी खेती होती है, जो कॉफी प्लांट के जो बीज होते हैं उनसे कॉफी बनती है। स्पाइसेस यानी मसाले, स्पाइसेस आर यूज्ड टू ऐड फ्लेवर टू आवर फूड। स्पाइसेस क्यों यूज किए जाते हैं? ताकि वो हमारे खाने में टेस्ट लाए, फ्लेवर लाए। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज मसाले बनाती है, स्पाइसेस प्रोड्यूस करती है, उनमें इंडिया भी बहुत आगे है। एग्जाम्पल ऑफ सम स्पाइसेस आर पेपर, कार्डमम, क्लोव्स, क्यूमीन एक्सेट्रा। तो जो काली मिर्च होती है, लौंग, इलायची एक्सेट्रा, ये सब स्पाइसेस में आते हैं। फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स लाइक कॉटन एंड जूट आर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स, कारपेट्स एक्सेट्रा। कॉटन और जूट, जो कपास होता है जिससे कि हमारे कपड़े बनते हैं, वो भी हमें प्लांट से मिलता है, और जूट जो रहता है जिससे भी अलग अलग चीज़ें बनती है, जैसे कि कारपेट्स, कालीन और बैग्स भी बनते हैं जूट के, तो ये भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। टिम्बर, टिम्बर का मतलब होता है ऐसी लकड़ियाँ जो हमें फर्नीचर वगैरह बनाने में काम आती है। वी गेट वेरियस काइंड्स ऑफ वुड, हमें अलग अलग पेड़ों से वुड मिलती है, लकड़ियाँ मिलती है, जैसे कि देवदार, टीक, साल, शीशम, बबूल, सागौन एक्सेट्रा। इन सब पेड़ों से हमें लकड़ियाँ मिलती है ताकि हम बिल्डिंग्स बनाएं और फर्नीचर, डोर, दरवाजे, विंडोज, खिड़कियाँ और अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये सब भी हम लकड़ियों से बनाते हैं, तो वो भी हमें इन पेड़ों से मिलता है। मेडिसिंस, हमारे पास बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे कि नीम, तुलसी, गार्लिक यानी लहसुन, सिनकोना एक्सेट्रा, जो मेडिसिंस बनाने में बहुत यूज किए जाते हैं। क्विनीन इज अ वेरी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सिनकोना ट्री। क्विनीन जो होता है वो मलेरिया के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, और ये हमें किससे मिलता है? सिनकोना नाम के एक ट्री से मिलता है। डेकोरेशन, प्लांट्स जो है वो हमारे घर को या फिर हमारे घर के आसपास की जो सराउंडिंग होती है उसे डेकोरेट करने में भी बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ब्यूटी को ऐड करते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। तो ऑर्चिड्स, रोज, बोगनवेलिया, मनी प्लांट एक्सेट्रा आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये जो प्लांट्स हैं इन्हें हम डेकोरेशन के तौर पर यूज करते हैं। रबर एंड गम, रबर विच इज यूज टू मेक टायर्स, बैंड्स एक्सेट्रा इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज। रबर जो कि टायर्स बनाने में यूज होता है, बैंड्स बनाने में यूज होता है, हैंड ग्लव्स बनाने में यूज होता है, ये भी हमें ट्री से मिलता है। वी गेट गम एंड रेसिंस फ्रॉम प्लांट्स। जो गोंद होती है और जो किशमिश होते हैं वो भी हमें प्लांट्स से ही मिलते हैं।